हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड राइस। फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने ली है पत्ता गोभी, जो मैंने बहुत बारीक बारीक काट लिया है। साथ में ली है शिमला मिर्च, थोड़ा सा बीन्स ली है, और गाजर और प्याज को बहुत चॉप कर लिया है। और अब हम बनाना शुरू करते हैं फ्राइड राइस। हमने गैस ऑन की है और हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है। अब हम फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच रिफाइन। तेल हमारा गरम हो गया है, हम साथ साथ डालेंगे जीरा। और हमें सभी सब्जियाँ फटाफट से डालनी है, बहुत हमको इसको भूनना नहीं है, हल्का कच्चा रखना है। प्याज और गाजर, ये फटाफट से झटपट से हमारे फ्राइड राइस बन जाएंगे। मैं डाली हूँ शिमला मिर्च और पत्ता गोभी। थोड़ा हमें फ्राइड राइस बनाते हुए ध्यान रखना है कि हम एक मोटा तले वाला बर्तन लें कि जिसमें हमारी सब्जियां बहुत अच्छे से भुने। साथ साथ डाल देंगे बीन्स। आज मैं फ्राइड राइस में सोया सॉस यूज नहीं करूंगी क्योंकि गला खराब होने का डर रहता है, तो बिना सोया सॉस के हम फ्राइड राइस बनाएंगे। एकदम बहुत ही कलरफुल लग रहा है, खुशबू भी आने लगी है। थोड़ा सा डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, आप इसके अंदर हरी मिर्च डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना आप खाना चाहें। नमक, आधा चम्मच मैंने नमक डाला है। और मैंने चावल को बॉईल करके रखा हुआ था, तो ये 1 ग्लास चावल है और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चावल। सभी चावल को हमने डाल दिया है। अब चावल हमने डाल दिए हैं और ये बहुत ज़्यादा पका हुआ चावल नहीं है। अब हम जल्दी से इसको मिक्स करते हैं। देख रहे हो फ्रेंड्स, कलर कितना अच्छा आ रहा है राइस का। मैंने ज़्यादा इसमें कोई भी मसाला कुछ यूज़ नहीं किया है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। देखो फ्रेंड्स, कितना अच्छा हमारा राइस बना है। बस हम इसको फटाफट से खाते हैं। देखो फ्रेंड्स, फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी है। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।